आसिम रियाज और शैफ अजहर बहुत ही जल्दी अब साथ दिखेंगे, क्यों कैसे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आसिम रियाज के पास ना इतना काम आ चुका है, इतना काम आ चुका है कि अब मुझे लगता है उन्हें हॉलीडे मतलब मनाने तक का टाइम नहीं होगा। वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले और लगातार जो है उनको काम के ऑफर आए ही जा रहे हैं, आए ही जा रहे हैं। जैकलिन के साथ गाना संडे को आ रहा है, हिमांशी के गाने की शूट कर रहे हैं जो 18 को रिलीज हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको याद होगा जैकलिन ने जब वो अपना सोशल मीडिया पे डाला था और उन्होंने कहा था कि मुझे डीजे स्नेक के मैनेजर से मैसेज आया है, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करने वाला हूँ, वो गाना है बोहेमिया का है, रौश किला का है। यहाँ तक कि शैफ आजर जो डीजे आजर है उन्होंने भी उनके सोशल मीडिया पे लिखा था टेल आसिम वी शैल कोलैब। तो अब जो है वो कोलैबोरेशन जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। शैफ आजर जो है इतने फास्ट है, उन्होंने जो है बीट जो है आसिम रियाज को भेज दी जो आसिम को आ गई है पसंद, यानी कि आसिम को अगर पसंद आई है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला है। उन्हीं का वो जो ट्वीट है शैफ आजर का जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, अपडेट लिख के आई सेंट अ बीट आई वर्कड ऑन दिस वीक टू आसिम एंड गेस व्हाट ही लाइक्ड इट। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इस बात का सभी को ऐलान किया है शैफ आजर ने कि मैंने जो है बीट बनाई थी इस हफ्ते और मैंने आसिम को भेजी है और उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। और उनका यही ट्वीट जो है आसिम ने अपने वॉल पर जो है शेयर किया है। तो यानी कि एक बात तो साफ है कि शैफ आजर ने जो बीट भेजी है वो आसिम को पसंद आई है, यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन अब पक्का है और बहुत ही जल्दी ये दोनों नजर आएंगे। तो आसिम जो है बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, फटाफट फटाफट दौड़े ही जा रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि एक के बाद एक काम मिलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आसिम के सभी फैंस का प्यार है, उनका सपोर्ट है। और जब से ये खबर आई है सारे के सारे जो फैंस हैं ना इसको रीट्वीट करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत ही जल्दी जो है डीजे स्नेक आजर और आपका भी ये गीत जो है कोलैबोरेशन में देखना चाहते हैं, इन तीनों को साथ में देखना चाहते हैं। तो आपको ये खबर मिली या नहीं मिली, आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।